तो यार हम लोग को यहाँ पे पूरा दर्शन वर्शन हो गया, अभी थोड़ा फोटो वोटो खिंचाएंगे, तब तक आपको सिनेमेटिक चेक कराते हैं मस्त मस्त। नजरों से नजरों को चुराए। सो हेलो जी, हम लोग नहा धो के निकल गए और स्टेशन के सामने आप लोगों को वेटिंग हॉल मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग नहा सकते हैं बिंदास। कोई टेंशन नहीं, 20 रुपये लेता है एक आदमी का। तो अभी हम लोग फिलहाल ये चेक करें गुवाहाटी का स्टेशन, ये मेन स्टेशन है ना। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बस स्टैंड, बस में चढ़ेगा, बस में जाएगा ना सब। तो अभी हम लोग यहाँ से बस में जाएंगे कामाख्या मंदिर, फिर वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं मंदिर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन से मेन रोड पर, क्योंकि बस हम लोग वहीं पे चढ़ेंगे, मेन रोड पर खड़ा होना पड़ेगा उधर से बस लेगा, फिर बस पे चढ़ेंगे और चलेंगे कामाख्या मंदिर। वैसे तो स्टेशन के अंदर आप लोगों को ऑटो कैब मिल जाएगा बुक करने के लिए, लेकिन उसमें पैसा ज़्यादा लग जाता तो हम लोग बस में जाएंगे। तो हम लोग अभी बस पर बैठ चुके हैं और यहाँ से दिखा रहा है गूगल मैप, तो बता रहा है 7 किलोमीटर 20 मिनट में पहुँचेंगे हम लोग मंदिर। फिर आपको चेक करेंगे भाई, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, विशाल करें तीसरी बार है ना, विशाल करें कमर कमर में तीसरी बार है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, देखते हैं। और आपको फाइनली गाइस हम लोग बस से उतर चुके हैं और अभी जा रहे हैं, ये हो गया मंदिर का मेन गेट और यहाँ से शायद और ऊपर जाना पड़ेगा, मंदिर जो है वो पूरा पहाड़ के ऊपर है, तो यहाँ से हम लोग को फिर से गाड़ी में जाना पड़ेगा। ओ मंदिर जा, यहाँ पे जूता उतर रख दिया और बैग भी रख दिया और यहाँ पे हम लोग अभी पूजा का सामान ले लेंगे, फिर चलेंगे मंदिर में और आपको चेक करेंगे मंदिर में। तो फटाफट ले लेते हैं यहाँ पे कुछ, ये सब 100 रुपया, ये सब 40 रुपया, छोटा वाला ही दे दीजिए। हाँ ये तो यार हमने पूजा का सामान भी ले लिया, अभी मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन वर्शन करेंगे, थोड़ा फोटो वोटो भी खींचेंगे। मंदिर के अंदर जो माता का दर्शन होता है वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग रही है और एक VIP लाइन भी रहता है वहाँ पे, मतलब 500 रुपये दक्षिणा देना पड़ता है। तो यार हम लोगों को यहाँ पे पूरा दर्शन वर्शन हो गया, अभी थोड़ा फोटो वोटो खिंचाएंगे, तब तक आपको सिनेमेटिक चेक कराते हैं मस्त मस्त। मेरे पीछे से आप लोगों को लाइन दिख रहा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक भाई कितना लंबा लाइन, बस उसी बात का अफसोस रहेगा हम लोग दर्शन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट टाइम जरूर करेंगे। तो अभी मैंने हमारे घर का ही पास का एक दीदी रहता है गुवाहाटी में, कैमरा शोरूम में, वो पान बाज़ार में, मैं उसको कॉल किया रहा अभी, तो थोड़ी देर अभी यहाँ पर बैठ लेते फिर चलेंगे पान बाज़ार, उनसे भी मिल के आएंगे स्टेशन पर। अभी हम लोग मंदिर से दर्शन दर्शन करके निकल रहे हैं बाहर।
सर हम लोग मंदिर से पान बाजार आ गया रेखा जी से मिलने के लिए, तो अभी फिलहाल उसको फोन करके रिसेप्शन को आपसे फोन करके फिर मिलना थे आप। और ये हो गया गुवाहाटी का फैंसी बाजार, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करने वाला। वैसे हमारे पास का जो दीदी है बोला था उनसे भी जाके मिल लिया, उनको मैं ब्लॉग में नहीं लिया क्योंकि वो अपना ड्यूटी में बिजी था, फिर भी हम लोग को बुला के चाय पिलाया, अच्छा लगा मिलके। तो ये रेखा दीदी हम लोग मिल गए, चाय भी पी लिया। तो अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, ट्रेन टाइम है हम लोग का 11:30 बजे, तो 11:30 बजे तक हम लोग वहीं पर वेट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे ट्रेन आने के बाद। गुड मॉर्निंग।